कर्नाटका के मुड्डेनहाली के सत्य साई ग्राम में एक T20 प्रदर्शनी मैच का आयोजन किया गया। मैच मधुसूदन साई ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन मिशन, यह कार्यक्रम संगठन द्वारा वंचित बच्चों के लिए बनाए गए एक खेल स्टेडियम के उद्घाटन का प्रतीक के रूप में खेला गया। मैच वन वर्ल्ड एंड वन फैमिली नाम की दो टीमों के बीच खेला गया है। वन वर्ल्ड के कप्तान सचिन तेंदुलकर तो वन फैमिली के युवराज सिंह थे। टीमों का नाम वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है से लिया गया है। आइए इस मैच पर नजर डालते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए युवराज सिंह की कप्तानी वाली वन फैमिली ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए थे। टीम के लिए डैरन मैडी ने 51, रोमेश कालूवितरणा ने 22, यूसुफ पठान ने 38, युवराज सिंह ने 23 और पार्थिव पटेल ने 19 रन बनाए थे। वन वर्ल्ड की तरफ से हरभजन सिंह ने 2, जबकि सचिन, आरपी सिंह, अशोक डिंडा, मोंटी पानेसर ने एक एक विकेट लिए। 181 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली वन वर्ल्ड ने 19.5 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाकर मैच 4 विकेट से जीता था। विजयी छक्का इरफान पठान ने अपने बड़े भाई यूसुफ पठान की गेंद पर लगाया। एल्विरो पीटरसन ने 50 गेंदों पर 74 रन की पारी खेल वन वर्ल्ड की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। नमन ओझा ने 25, सचिन ने 27, उपुल थरंगा ने 29 रन बनाए। मैच मधुसूदन साई ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन मिशन के द्वारा आयोजित था। ये संस्था गरीब स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन जैसी सुविधा उपलब्ध कराती है। संस्था ने मैच के लिए न सिर्फ लीजेंडरी खिलाड़ियों से संपर्क किया था बल्कि दर्शक दीर्घा में भी भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों के पूर्व क्रिकेटर भी मौजूद थे। भारत की तरफ से पूर्व खिलाड़ी सुनील गावस्कर, कृष्णामाचारी श्रीकांत, कृति आजाद जैसे खिलाड़ी दिखे तो श्रीलंका की ओर से दिग्गज बल्लेबाज अशोका डिसिल्वा दिखे।